नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 22 नवंबर 2023 को होंगे, जहां बीते दिन हुई चुनाव समिति की बैठक में चुनाव को लेकर निर्णय लिया गया। हाई कोर्ट में होने वाले चुनाव के मतदान को लेकर अब चंद घंटे बाकी हैं, जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल ओझा की माने तो लंबे समय से कोर्ट परिसर में कई तरह की मूलभूत सुविधा आज भी नहीं मिल रही है। वहीं उन्होंने कई तरह की अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। इसी तरह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमर सिंह राठौर की माने तो वकीलों के लिए चैम्बर सहित तमाम तरह के सुविधाओं के मुद्दे को लेकर वह इस बार चुनावी समर में उतरे हैं और उन्हें यकीन है कि वो भारी बहुमत से इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इलेक्शन को पिछले कोरोना काल के बाद से पिछले 5 सालों में आज तक बार एसोसिएशन के छोटे छोटे से काम है वो आज तक नहीं हुए। अब जैसे पार्किंग की समस्या आज तक दूर नहीं हुई और दूसरी चीज पार्किंग की समस्या है, पानी पीने की। हमारे कार्यकाल में हम रोज 25 से 35 बॉटल फ्रेश पानी आता था आरओ का, वो हम यहीं भर के पिला रहे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं। ना पानी की समस्या है, आरओ प्रॉपर फिल्टर साफ नहीं है। पिछले 1 साल से ये लाखों रुपए की LED बाहर लगी हुई है, ये बाहर स्क्रीन बोर्ड लगा के आम पब्लिक और सभी देखते थे, वो स्क्रीन बोर्ड खराब पड़ा हुआ। लेकिन कई बार शिकायत करी लेकिन उस शिकायत कोई दूर नहीं गई। दूसरी चीज छोटी छोटी सी बाद में समस्या है, बाथरूम गंदा रहता है और बहुत सारी समस्या है, लेकिन आज दिनांक तक दूर नहीं। कार्यकारिणी जो भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन लोगों को हर बारीक चीज को देखना पड़ेगा कि लिफ्ट 1 साल से बन रही है, आज दिनांक तक काम नहीं हुआ। वो धीरे धीरे स्पीड से बेचारे विकलांग और कोई ऊपर चढ़ने वाले बुजुर्ग लोग आते हैं, वो समस्या भी दूर नहीं हुई। पार्किंग से लगा के छोटी केसेस की हेयरिंग के लिए भी माने तो मेंशन स्लिप के लिए परेशान होना पड़ता था। पूर्व में आज से 2-3 साल पहले 50-50, 100-100 मेंशन स्लिप एक साथ दी जाती थी, मेंशन नहीं लगती। केसेस लगाने के लिए बड़े मशक्कत करना पड़ती, जूनियरों को प्रेजेंटेशन में घंटों खड़े रहना पड़ता लाइन लगा के। ये सब अव्यवस्थाएँ अपार है। अगर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं ये सब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी के लिए, इन लोगों के छोटे जूनियर वकीलों का और सीनियर और मुंशियों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समस्या है। लेकिन पिछले 5 सालों से ये सब समस्याएं दूर नहीं हुई और रह गए। 1 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन जो चुनाव में सब खड़े होते हैं अपने को दूसरों का भी ख्याल करना पड़ेगा, जूनियरों का, पक्षकारों का, कि कैसे संबंधित समस्या। सिविल के मुकदमे पिछले 10 सालों से, 8 से 10 सालों से कोई फाइनल हियरिंग नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही है, जबकि जजेस की संख्या भी बढ़ गई है। सारी परेशानियों को लेकर के वकील लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि नंबर नहीं आते केसेस के, और काफ़ी परेशानियां हो रही है। और इसको लेकर के जो भी कार्यकारिणी चयन होके आती है चुनाव में, तो उसका दायित्व है कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के इन लोगों को सब समस्या दूर करना चाहिए। मैं अनिल ओझा, पूर्व हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट, इंदौर। मेरा मुद्दा जो है एडवोकेट्स के चैम्बर्स का है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास कोई चैम्बर्स नहीं है और परामर्श करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रीतम लाल दुआ सभागृह और देवी अहिल्या लाइब्रेरी की जगह है, वो जो शासन से हाईकोर्ट को मिल चुकी है करीब 5 साल पहले, वहाँ पर एक हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण करवाना और उसमें करीब 400-500 चैम्बर्स का निर्माण करवाना क्या प्राथमिकता दूंगा मैं, ताकि अभिभाषकों को अपने चैम्बर्स उपलब्ध हो सकें रियायती कीमतों पर। और दूसरा मुद्दा ये है कि पार्किंग का, यहाँ पर हाईकोर्ट में पार्किंग की विकट समस्या है, लोगों को पार्किंग नहीं मिलती, इस कारण से रोड पर गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग की निर्माण का नगर निगम से सहयोग करके और हाईकोर्ट प्रशासन से सलाह मशवरा करके करवाने का मैं प्रयास करूँगा। और लिस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है हाईकोर्ट में, मेंशन के केसेस नहीं लग रहे हैं और कई मामलों की, जैसे क्लेम के मामलों की, सिविल के मामलों की सुनवाई कई कई महीनों तक नहीं हो पा रही है। तो इस मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम जो है एक प्लान देंगे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से, यदि हमको मौका मिलता है तो, और उस प्लान के तहत जो है केसेस की जल्दी सुनवाई करवाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है महिलाओं के बैठने की व्यवस्था ठीक से की जाएगी और काफ़ी कई मुद्दे हैं, युवाओं के लिए सेमिनार्स का हर 15 दिन में एक सेमिनार का आयोजन कराने का प्रयास करूंगा, ताकि युवाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। और इसके अलावा हम यूनिवर्सिटीज़ से बातचीत करेंगे और युवा अभिभाषकों के लिए साइबर लॉ
फॉरेंसिक साइंस ऐसे विषयों में उनसे ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाने का प्रयास करेंगे, उनको फीस में भी उसमें डिस्काउंट करवाएंगे ताकि उनका बौद्धिक लेवल बढ़ जाए और क्वालिटी वर्क हम दे सकें हाईकोर्ट में। इसके अलावा बार और बेंच के जो संबंध हैं उनको हम प्रॉपरली इस्टेब्लिश करेंगे और मामलों में त्वरित निराकरण हो इसका भी प्रयास करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए